लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शक कर लीजिए, लेकिन मैं लालची नहीं हूँ। मुझे अपने ससुराल की दौलत नहीं, ससुराल का प्यार चाहिए। बहुत देर से मेरा इंतजार कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं बस अभी आया। अच्छा, ये रहा वो लेटर। अच्छा, ये वही हारिस वाला लेटर जिसके बारे में तुमने जिक्र किया था। हाँ, क्यों, क्या हुआ? ये लेटर तो हैदराबाद से है। क्या? हेलो। हाँ जी, कहिए। पहचानिए। देखिए भाई, इस वक्त मैं अपने दिमाग पर जोर डालने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, तो आप ही बता दीजिए आप कौन बोल रही हैं। वैसे आप हमारे लिए इतने खास हैं कि आपको बताना ही पड़ेगा, वरना हम आपको इतना परेशान करते कि आपके दिल और दिमाग का ठिकाना नहीं रहता। भाई, मेरे दिल और दिमाग को ठिकाने पर रखने की मेहरबानी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो बता दीजिए ना कौन बोल रही हैं आप। हम आपकी होने वाली इकलौती साली उनेजा बोल रहे हैं। ओहो, उनेजा? जी हाँ। भाई उनेजा, आपके इस अंदाज ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आप काफी शरारती किस्म की हैं। लीजिए, अब शरारत सालियाँ नहीं करेंगी तो कौन करेंगी? आप आ रही हैं, आप उनसे ही बात कीजिए। आप देखिए ना, आपके लिए फोन है। किसका है? पता नहीं, आप खुद ही बात कर। हेलो। हेलो जी, कौन? फरदीन। I'm sorry, मुझे नहीं पता था कि आपका फोन है। भाई, आपकी बहन ने मुझे फोन किया और बात करते करते रिसीवर आपके हाथ में दे दिया। जी हाँ, वो सारे काम कर लेती है, बस एक काम नहीं करती। वो क्या? खामोश रहना। चलिए, खैर, आपकी बहन की शरारत ने कम से कम
मेरी आपसे फोन पर बात तो करा दी। कैसी आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। और कुछ कहना चाहेंगी आप? जी नहीं। लेकिन मैं आपसे बहुत बातें करना चाहता हूँ, मगर इस वक्त फोन पर नहीं। जब मैं आपसे पर्सनली मिलूंगा तब बात करूंगा। ठीक है। वही, आपकी बातों के अंदाज से ऐसा लग रहा है कि आप हमसे बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। फोन क्यों रख दिया आपने? उनेजा, आज जो हरकत तुमने की है ना, वो दोबारा मत करना। तो कौन सा जुल्म कर दिया मैंने? वैसे भी फरदीन के साथ आपकी शादी होने वाली है। ये अब्बू की मर्जी है, मेरी नहीं। तो आप अब्बू से कह दीजिए कि आप ये शादी नहीं करना चाहती। नेक खानदान की औलादें अपने वालिदैन के इशारों पर अपनी खुशियाँ कुर्बान कर देती हैं। ओहो, अगर आप इतनी ही नेक हैं, तो आपने फरदीन से बात क्यों नहीं की? आखिर अब्बू ने उन्हें आप ही के लिए पसंद किया है। ये मेरे और अब्बू के बीच का मामला, तुम बीच में मत बोलो। ओहो, लगता है तहा के ख्वाब अभी भी आपकी आंखों में। तहा ख्वाब नहीं, हकीकत है। वो हकीकत जो रेत की दीवार है। उनेजा, जो लोग दूसरों के घरों को शोलों की आग में जलाकर अपना घर रोशन करते हैं ना, वो ये भूल जाते हैं कि हवा का एक झोंका उनके अपने घर को भी जला सकता है। आपा, शादी तो आपको फरदीन से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अपने दिल पर मैंने तहा का नाम लिख दिया है। मैनेजर साहब, उस मर्दूद अली यावर का नाम मेरे सामने कभी मत लीजिएगा। मेरा उससे या उस खानदान के फर्द से कोई ताल्लुक नहीं। जनाब मुश्तबा साहब, लगता है अली साहब के खानदान का साया आपसे जुदा होने वाला नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? अरे अभी आपने उनका नाम लिया, और लीजिए वो उनकी बहू तशरीफ ला रही है, खालिद की बेवा। तुम ही हो ना अली यावर के बहू और हारिस की बीवी? जी हाँ, लेकिन आप? मैं उस लड़की का खुशनसीब बाप हूँ। अगर ये शादी हो गई होती तो सारी जिंदगी गम के आंसू रो रही होती। अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है। तुमने सही कहा, अल्लाह जो करता है वो सही करता है। जैसे कि तुम बेवा हो गई और मेरी बेटी बच गई। जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? अरे उसने तुमसे शादी करने के बाद मेरी बेटी से शादी रचाने की कोशिश की। उसने सोचा कि ये दुनिया दीवानी है, पागल है, बेवकूफ है, किसी को कानो-कान खबर नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। वो अपने बंदों से फरेब करने वालों को सजाएं जरूर देता है। हारिस को उसकी सजा मिल गई। देखिए, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके बारे में ऐसी बात आपको नहीं करनी चाहिए। तो क्या कहूँ? मैं ये कहूँ कि उसने जो कुछ भी किया बहुत अच्छा किया। उसने मेरी बेटी की जिंदगी तबाह करने की कोशिश की। इस गुनाह में तुम बराबर की शरीक हो। न जाने तुम कौन हो, कहां से आई हो, और एक अमीर जादे को फांस करके उससे तुम्हें शादी कर ली। ये झूठ है, ये ज्यादा इल्जाम है मुझ पर। ये सच है, दूध में धुला हुआ सच है, जिसे मानने से कोई इनकार नहीं कर सकता। खानदानी लोग छुप छुपा के शादी नहीं करते, और जो लोग ऐसा करते हैं वो खानदानी नहीं होते, वो बाजारू होते। बस कीजिए, मुझे अब कुछ नहीं सुनना। सुनना तो पड़ेगा शाह, के अपने ससुर से कह देना कि जो नकाब उसने पहना हुआ है शराफत का, उसे लोच कर बाहर फेंक दे। एक दिन वो भी बहुत बुरी मौत मरेगा। और सुनो, कह देना अपने ससुर से कि मुस्तफा मिला था और तुम्हें गालियां दे रहा था। वो क्या बात है बेटी, सब खैरियत तो है? पता नहीं क्या हुआ अबू, कब से रोए जा रही हैं। अभी क्या बात है बेटी,
क्यों रो रही हो? जब्बू, वो देखो बस, आप रोना बंद कीजिए। अब बताइए क्या बात है? वो रास्ते में मुश्तबा अंकल मिले थे, उन्होंने कहा कि मैंने और हारिस ने उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या? जी अब्बू, वो कहने लगे अच्छा हुआ हारिस नहीं रहा। अगर वो जिंदा होता तो उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाती। वो धोखेबाज था, फरेबी था, और न जाने क्या कुछ कह डाला। लाहौल वाला कुमार, हमारे मरहूम बेटे के लिए उसने इतना कुछ कह दिया। सिर्फ हमें ही नहीं, उन्होंने आपके खानदान के बारे में भी। बस बेटे बस, अब हम इसके आगे और कुछ नहीं सुनना चाहते। उस कमजर्फ की इतनी हिम्मत हुई कि वो हमारे खानदान की बात करे। खुद को खानदानी कहता है वो। अरे बहू बेटियों से बात करने का उसे सलीका नहीं मालूम। आज हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो अपना खानदानीपन हमेशा के लिए भूल जाएगा। आदाब, आदाब, आप यहाँ कहाँ तशरीफ लाए? सब खैरियत तो है? हम आपसे कुछ पूछने आए हैं। अरे पूछना पूछना तो चलता रहेगा, आप गर्मी से तशरीफ ला रहे हैं, जरा ठंडे तो हो जाइए। हम खुद को ठंडा करने नहीं बल्कि आपका दिमाग ठंडा करने आए हैं। क्या बात है, आप इतने गुस्से में क्यों? हमारे गुस्से की वजह क्या है आप खुद से पूछिए। कमाल है, यानी गुस्से में आप हैं और मैं खुद से पूछूं कि आप क्यों गुस्से में हैं? आज आपने जो हरकत की है वो हमारी बर्दाश्त के बाहर है। हरकत? कैसी हरकत? अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए। आज जब आबीर आपको रास्ते में मिली तो आपको अपनी औकात जताने की क्या जरूरत थी? मैंने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सच कहा। शादीशुदा होने के बावजूद आपके बेटे ने मेरी बेटी से निकाह करने की कोशिश की और आप लोग खामोश थे। हम इस बात से अनजान हैं कि हमारे हारिस का निकाह हो चुका है। खुदा ने खास्ता अगर शादी हो जाती तो मेरी बेटी का क्या होता? वो तो सारी जिंदगी खून के आंसू रो रही होती और आप लोग इसी तरह खामोश तमाशाई बन करके देखते रहते। हारिस की मौत ने मेरी बेटी की खुशियों को बचा दिया और ये तो बहुत अच्छा हुआ कि वो मर गया। खबरदार, आप हमारे मरहूम हारिस के लिए एक लफ्ज और नहीं कहेंगे। फसाद की जड़ तो वही है, तो गालियां मैं किसको दूं? मरने वाले को लोग दुआएं देते हैं कि या अल्लाह उसे जन्नत नसीब हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि या अल्लाह हारिस को जहन्नम मिले। खामोश। अब आगे कुछ नहीं वरना हमारी बात का रुख बदल जाएगा। अच्छा, हम अपने हारिस के बारे में एक लफ्ज और नहीं सुनेंगे। अरे आप एक लफ्ज की बात कर रहे हैं, मैं उसके खिलाफ पूरी किताब लिख दूं। अगर आपके दिल में इतना जहर भरा हुआ है तो आप हमारी भी एक बात गौर से सुन लें। अब तक तो हम यही सोच रहे थे कि आपकी दुश्मनी सिर्फ आपके दिलो दिमाग तक सहम रखे, मगर आज ऐसा महसूस हो रहा है कि आप अपनी इस दुश्मनी को बहुत लंबा खींचना चाहते हैं। और अगर ये बात है तो यही सही, हमें आपकी दुश्मनी मंजूर है। आज के बाद जब भी हमारे कदम एक दूसरे की तरफ उठेंगे तो वो दोस्ती के लिए नहीं बल्कि दुश्मनी के लिए। रिदा के रिश्ते को लेकर
मुस्तफा ने जो मेरी बेइज्जती की वो तो मैंने बर्दाश्त कर ली, मगर फिर आज उसने हारिस के लिए बुरा भला कहा, उसकी रूह को तकलीफ पहुंचाई, तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकी। देखिए आप इस बारे में ज्यादा मत सोचिए, जितना सोचेंगे उतनी तकलीफ होगी। होने दो तकलीफ, हमें तो तकलीफें सहने की आदत सी हो गई, हमें जितनी तकलीफ होगी उतनी ही मुस्तफा को तकलीफें पहुंचाने का जज्बा हमारे अंदर जागा रहेगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, इस तरह की बातें तो आपने पहले कभी नहीं की। जानता हूं, मगर आज मुस्तफा ने जो मुझे ठेस पहुंचाई है उसके लिए मैं उसे जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। आप ये भी तो सोचिए, जो आपके कुछ प्रोजेक्ट्स में पार्टनर है, ऐसे में उससे रिश्ता तोड़ना क्या अच्छा होगा? आप उसकी फिक्र मत कीजिए। कैसे ना करूं, इसका हमारे बिजनेस पर असर पड़ सकता है। चंद प्रोजेक्ट्स को बचाने के लिए हम अपनी आन शान और इज्जत की कुर्बानी नहीं देंगे, किसी सूरत पर नहीं। जैसी आपकी मर्जी, आप ज्यादा बेहतर फैसला कर सकते हैं। फैसला हम कर चुके हैं बेगम, कोई भी अच्छा मौका देखकर हम मुस्तफा से बात करेंगे, उसे इस बात का एहसास दिला देंगे, अली यावर जब दोस्ती करता है तो टूटकर और दुश्मनी करता है तो वो भी टूटकर। हेलो मुस्तफा एंड कंपनी, मुस्तफा साहब से बात कर सकता हूँ? आपकी तारीफ। अली यावर जी, मुस्तफा साहब इस वक्त यहाँ नहीं है। ठीक है, आप उन्हें बता दीजिएगा कि अली यावर का फोन आया था और मैं उनके साथ कोई भी बिजनेस करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जी शुक्रिया। मैनेजर साहब। जी जनाब। अब हम मुस्तफा साहब के साथ कोई बिजनेस नहीं करेंगे, आपने नोटिस भेज दी है। बट सर, तीन प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी उनके साथ शुरू हो चुका है खुदा के फजल से। आई एम क्वाइट अवेयर ऑफ द फैक्ट, मैं इस हकीकत से वाकिफ हूं, आप वही कीजिए जो मैं कह रहा हूं। उन्हें कह दीजिए हम उनके साथ बिजनेस नहीं करना चाहते, या तो वो प्रोजेक्ट छोड़ दें या फिर जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है वो हमें वापस लौटा दें। ऑलराइट, का उम्मीद बात के लिए राजी हो जाएंगे? कैसे राजी नहीं होंगे, उन्हें राजी होना ही पड़ेगा। Those are the terms and conditions of the contract. हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये साफ मेंशन किया गया है, दोनों पार्टीज में से अगर एक भी पार्टी बिजनेस छोड़ना चाहे तो वो छोड़ सकती है और दूसरी पार्टी उनका इन्वेस्टेड रुपया वापस लौटाएगी। That's it. जी बेहतर है, हम शमसुद्दीन अभी नोटिस तैयार करवाता हूँ खुदा के फजल से। अरे एक मिनट, इस डॉक्यूमेंट पर साइन मैं करूंगा, सिर्फ मैं। जी आप जाए बेहतर है। अली यावर, आप जरूर आए, आपको हमारा नोटिस मिल गया होगा। हाँ, उसी सिलसिले में मैं कुछ बातें करने आया हूं। आई एम श्योर
नोटिस में सब कुछ साफ साफ लिखा है। आपने ये प्रोजेक्ट मेरे साथ करने का वादा किया था, फिर ये अचानक तब्दीली क्यों? फैसले अचानक ही लिए जाते हैं। वो कहते हैं ना, खुशियां और तकलीफें दस्तक देकर नहीं आती, खुशियों पर तो इंसान का अपना इख्तियार होता है, मगर तकलीफें बिना दावत के ही आ जाती हैं। और जब तकलीफें आ ही जाती हैं, तो इंसान को इस तरह के फैसले लेने ही पड़ते हैं अचानक। जैसा कि हमने लिया, दूसरों को तकलीफ में डालकर फैसले करना तो आपके खानदान की फितरत में शामिल है। आज खानदान की बात ना करें तो बेहतर होगा। आज हम बात करेंगे तो सिर्फ हमारे भेजे हुए नोटिस की। क्यों ना करूं? आप लोगों की वजह से आज मेरी बेटी के दामन में हारिस नाम का दाग लग गया। हारिस दाग नहीं, हमारी आंखों का नूर था। और जहां तक हमें मालूम है, उसने आपकी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अरे वो तो अल्लाह का करम है, वरना आज मेरी बेटी हारिस की दूसरी बीवी बनी बैठी रहती। कहने को तो हम भी बहुत कुछ कह सकते हैं, मगर मेहमान को घर बुलाकर उसकी तौहीन करना हमारे खानदान की फितरत नहीं। सीधा मुद्दे पर आते, हम आपसे सिर्फ इतना जानना चाहते हैं, हमने जो आपको नोटिस भेजा उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आपने इनकार कर दिया। मैं खुद आपके साथ बिजनेस करना नहीं चाहता था। आपके साथ बिजनेस करना मेरी तौहीन है, मेरी शान के खिलाफ है। बस कीजिए जनाब, आपको इस प्रोजेक्ट से बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी। जाहिर है आपको हमारी ना बर्दाश्त नहीं हो सकी। देखिए ना, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, जरा अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, कहीं ये ब्लड प्रेशर ब्रेन हैमरेज में तब्दील ना हो जाए। अरे ये तो वक्त ही बताएगा किसे ब्लड प्रेशर होता है और किसका ब्रेन हैमरेज होता है। हेलो, क्या हाल है जनाब? कितने रोज हो गए गए हुए, लेकिन आपने कभी हमारी खैरियत जानने की कोशिश ही नहीं की। अरे मैं मंतशा बोल रही हूँ। आपा? हाँ हाँ अना। आपा? हाँ कहो ना, क्या बात है? क्या बात है, आप इतनी घबरा क्यों रही हैं? नहीं तो, मैं तो बिल्कुल नहीं घबरा रही हूँ। जरूर कोई राज की बात है जो आप मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हैं। अरे मैं क्या छुपाऊंगी तुमसे? तो ये राज की बात है जो आप मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। अरे तुम बहुत शरारती हो रही, फोटो दो। शरारती मैं नहीं, शरारती तो नदीम साहब है जो आपके नींद के साथ और आपके सुकून के साथ शरारत कर रहे हैं। अन्ना मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, बड़ी बहन से ऐसी बातें नहीं करते। तो फिर बड़ी बहन से कैसी बातें करते, आप ही बताइए। अन्ना तो मुझसे बहुत पिटोगी। एक काम करते हैं, आप अम्मी को बुला लेते हैं, अम्मी इस बात का फैसला करेंगी। नहीं नहीं चुप चुप। अच्छा एक बात होती है, आप ईश कंगड़ाइया ले रहे ना। अन्ना की बच्ची अन्ना। इन्हें तो हम अपने साथ ही ले गए थे। तुम जानते हो ना कि मेरे
रिश्ता तय कर दिया है, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम अपने रास्ते बदल दें। अच्छा यही है कि हम सब कुछ भूल जाए और अपने दिल को समझा ले। वक्त सबसे बड़ा मरहम है, बड़े से बड़े जख्म को भी भर देता है। जो कुछ भी हमारे बीच हुआ है उसे भूल जाओ और आईना मुझसे मिलने की कोशिश मत करना कि मेरे अबू ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम अपने रास्ते बदल दें। वक्त सबसे बड़ा मरहम है, बड़े से बड़े जख्म को भी भर देता है और आईंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। जरा हमें भी तो मालूम पड़े कि आप किस ख्याल में गुम हो। भाभीजान, यूं ही कुछ सोच रहा था। जी हाँ, आपके लिए सोचना जरूरी भी है क्योंकि इंसान सोचता नहीं तो कुछ करता भी नहीं। अब ऐसा क्यों कह रही? इसलिए कि किसी को याद करते रहने से कोई फायदा ही नहीं है। वो कहाँ और आप? हमारे सामने इतनी बंदिशें हैं, इतनी मजबूरी है, कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मैं तो कंफ्यूज हो गया हूं, कंफ्यूज। अरे इसमें कंफ्यूज होने वाली क्या बात है? देखो, प्यार वन वे ट्रैफिक होता है। इंसान एक बार प्यार के रास्ते पे चल पड़ता ना तो तब तक नहीं रुक सकता जब तक उसे अपनी मंजिल नहीं मिल जाती। क्योंकि पीछे जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती, और गलती से पीछे मुड़ गया तो एक्सीडेंट। मतलब ये कि प्यार किया है तो डर किस बात का? और अगर डर ही था तो फिर प्यार ही क्यों किया? प्यार करने वाले कभी दुनिया के बारे में नहीं सोचते। जाओ, जाकर रिदा के दिल की बात का पता करो और जो फैसला करना है जल्दी करो। भाभीजान, मैं आज ही रिदा से मिलता हूँ और उससे पूछता हूँ वो मेरा साथ देगी या नहीं। ये हुई ना बात, आपका देवर हूँ। बाजी, मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही है। अम्मी, आप भी देखिए ना मैं कैसी लग रही हूँ। अच्छी लग रही हूँ? ये क्या रिदा, सभी तैयार हो गए और तुम तैयार नहीं हुई। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। बाजी, वो पिंक कलर वाला सलवार कमीज पहनी, आपने बहुत खिलता है। अम्मी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा जाने का दिल नहीं कर रहा है। मगर तुम्हें हुआ क्या है? मेरे सर में दर्द है। रिदा बेटी, ये उनकी आखिरी शादी है और उन्होंने खास तौर से तुम्हारे लिए कहा है। अगर तुम नहीं गई ना तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। और आखिर वहाँ जाके तुम्हें करना ही क्या है? निकाह खत्म होते हम लौट आएंगे। चलो बाजी, चलिए ना, मजा आ जाएगा। अम्मी, वहाँ बहुत शोर होगा और सर दर्द की वजह से मैं वहाँ बैठ भी नहीं पाऊंगी। ठीक है, फिर तुम आराम करो। चलो नेजा। चले? लेकिन रिदा कहाँ है? उसकी तबीयत खराब है। तबीयत खराब है, क्या हुआ? उसके सर में दर्द है। अरे सर में दर्द है तो क्या हुआ? उसको बुला लीजिए, हमारे साथ चलेगी, उसकी तबीयत भी बहल जाएगी और दर्द भी खत्म हो जाएगा। बुलाइए उसे। मैंने उसे बहुत कहा पर वो तैयार नहीं हुई। अगर वो जाना नहीं चाहती है तो जबरदस्ती क्यों करे? खामखा शादी में जाकर अगर उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो मुसीबत हो जाएगी। लेकिन अब जल्दी चलिए ना, वरना हम लेट हो जाएंगे। चलिए। तुम यहाँ अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? घबराई भी लग रही है? नहीं, ऐसी कहा, इस वक्त घर पर कोई नहीं है, सब शादी में गए। ये तो बहुत अच्छी बात, कम से कम खुलकर बात तो कर सकेंगे। देखो तब
मुझे बहुत डर लग रहा है अगर किसी ने देख लिया तो। तुम प्लीज इस वक्त जाओ यहाँ से। तुम इस तरह डरती रही तो हमारा प्यार कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। वक्त आ चुका है अपने प्यार के लिए दुनिया से लड़ने का। देखो मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, अब कुछ नहीं हो सकता है, भूल जाओ मुझे। तुम मुझसे प्यार करती हो ना? हाँ लेकिन। तो क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा? रिदा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इस दुनिया की कोई भी ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती, बस सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। ये सब इतना आसान नहीं है। हमारे घरों के बीच जो दरार आ गई है ना, उस वजह से हम नदी के उन दो किनारों की तरह हैं, जो अलग है, जिनका एक होना नामुमकिन है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो एक काम करते हैं। क्या? घर छोड़ के भाग जाते हैं और जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। जानते हो तुम क्या कह रहे हो? बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हो। अरे इससे हमारे खानदान की कितनी बदनामी हो सकती है। तो फिर क्या करें? क्या करें नहीं, क्या करूं कहो। तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपनी अब्बू के पसंद के लड़के से शादी करूंगी। नहीं रिदा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। देखो ता, इस वक्त तुम यहां से चले जाओ, कहीं अब्बू आ गए तो। ड्राइवर गाड़ी रोको भाई, वो गाड़ी घर वापस ले लो। अब्बू हम लोग वापस घर क्यों जा रहे हैं? उनीदा मैं अपना मोबाइल घर भूल आया। ताहा प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, चलो यहां से। प्यार करने वाले बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, इतनी बेरुखी अच्छी नहीं। आखिर मेरा कसूर क्या है जो तुम मुझे यहां से जाने के लिए कह रही हो? ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। इस वक्त तुम होश में नहीं हो, तुम्हारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। रुदा, जब मामला दिल का हो तो दिमाग कैसे काम कर सकता है? दिल, प्यार, वफा, बंद करो ये बातें, मुझे नहीं सुननी है। हेलो रुदा। अब्बू मैं अपना मोबाइल घर भूल आया हूँ, जरा बेटा उसे तलाश करके बाहर आ जाओ। जी मैं लेके आती हूँ। ता, मैं तुमसे इत्तेजा करती हूँ, प्लीज यहाँ से जाओ, अब्बू घर आ रहे हैं। ये तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे अब्बू ने अगर मुझे यहाँ देख लिया तो क्या होगा? मैं नहीं जाऊँगा, आने दो उन्हें। या अल्लाह प्लीज समझने की कोशिश करो, तुम जाओ, मुझे अब्बू का फोन ढूंढना है। पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं है। तुम्हें जवाब देना होगा। तुम इस वक्त कैसे जाओ? तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। मेरे पास कोई जवाब नहीं, तुम जाओ, अब्बू आ जाएंगे। रेखा अभी तक बाहर आई नहीं, ड्राइवर हॉर्न बजाना। मैं तुम्हारा हाथ उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगी। मेरे पास जवाब नहीं, छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा मैं। आई अब्बू, तुम मुझे जाने दो। आने दो अब्बू को, छोड़ो मुझे। समझ में नहीं आता कि देर क्यों हो रही है। बेगम मैं खुद लेकर के आता हूँ। जब तक मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो। अब्बू आ गए, तुम आ जाके छुपो। अब्बू दरवाजा खोलने में देर क्यों की? अब्बू वो मैं आपका मोबाइल ढूंढ रही थी। जब मैंने तुम्हें फोन पर बता दिया था तो तुम्हें मोबाइल ढूंढ कर रखना चाहिए था। जी लौट दो जल्दी, देर हो रही है। फोन की घंटी कहां से आवाज आ रही है? अबू
मेरी बात सुनिए। कैसे पड़ी मेरे घर में आने की? आज तुमने बतला दिया कि तुम्हारा खानदान क्या है। तुम्हारे भाई ने मेरी बेटी की जिंदगी तबाह की और अभी वो संभालने भी नहीं पाई थी कि तुम आ गए उसे तबाह करने के लिए। बड़ी तेवर से बातें करके गया था। आज मैं बतलाऊंगा अली यावर को कि उसकी हैसियत क्या है। मेरी बात सुनो। खुद को आला खानदान का फर्ज कहता है। आला खानदान के लड़के दूसरों के घरों में झांकते फिरते हैं। अली यावर, अली यावर, आज एक ऐसी खबर तुम्हें सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर तुम सारी जिंदगी मुझसे नजरें चुराते फिरोगे। क्या बकवास कर रहे हैं? बकवास नहीं कर रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। मेरे घर में आकर तुमने बड़ी बड़ी बातें की थी, अपने आप को बड़ा खानदानी कहा था। अपने बेटे के खिलाफ एक लफ्ज भी सुनने के लिए तुम तैयार नहीं थे। लेकिन आओ देखो कि तुम्हारे बेटे ने आज क्या किया। तुम्हारा बेटा? मेरे बेटे ने? हाँ हाँ, अली यावर, अली यावर, तुम्हारे बेटे ने। जब उसको और कुछ नहीं सूझा तो वो चोरों की तरह मेरे घर में दाखिल हो गया, और वो भी उस वक्त जब मैं घर से बाहर था। ये क्या कह रहे हैं आप? अगर यकीन नहीं आ रहा है तो खुद बात कर लो अपने इज्जतदार खानदान के इज्जतदार बेटे से। करो बात अपने पास से। लो जी अब्बू। बेटे फौरन घर चले आओ। आई वॉन्ट यू होम राइट नाउ। जी खड़े खड़े भूखा दिख लो, निकलो यहां से, निकलो मेरे घर से। अभी तो तुम्हें सही सलामत जाने दे रहा हूं, दोबारा आए तो लोगों के कंधे में जाना होगा। चलो यहां से। आज के बाद अगर तुमसे दोबारा यह गलती हुई तो मैं समझूंगा अल्लाह ने मुझे एक ही बेटी दी उनेजा, और तुम पैदा होते ही मर गई।